विद्यार्थी मित्रों, आज आप धोरण 8 हिंदी में पुनरावर्तन 1 ना प्रश्नोत्तर की चर्चा करीशू। प्रश्न एक, आप अपने मित्र को निबंध लेखन प्रतियोगिता में प्रथम आने पर बधाई पत्र लिखिए। मित्रों, हमने आगे भी पत्र कैसे लिखते हैं यह बताया कि दाएं और बाएं कोई किसी भी बाजू आप अपना एड्रेस लिख सकते हैं। उसके बाद हम 3 फकरे में आप जो पत्र है 3 फकरा अंदर हमेशा लिखिए छे पेरेग्राफ। एम पहलो प्रिय मित्र है एट प्रिय मित्र, पछी आपणे पत्र केम लख्यो छे तेने, तो के भाई मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि तुम्हें निबंध लेखन प्रतियोगिता में तुम्हारा प्रथम नंबर आया है और प्रथम आने पर मैं तुम्हें बहुत बधाई देता हूँ कि देती हूँ। पछी आपणे वच्चेना फकरामां के भाई हमें मुझे तो पता ही है कि तुम्हारा भाषा पर बहुत प्रभाव है, तुम कई पंक्तियाँ और काव्य तुम्हें कंठस्थ है और तुम निबंध लेखन में भी इन सब का प्रयोग अच्छी तरह से करके तुम अपने विचार भी अच्छी तरह से प्रदर्शित करते हो, तो भाषा में तुम्हारा जो लगाव है वो सभी को पता है और तुम्हारे अक्षर भी बहुत ही सुंदर तुम लिखते हो। बचपन से ही हम तो तुम्हें जानते हैं, एम करीने आपणे एना विषय जे लागीए छे के केम एनो केम प्रथम नंबर आयो, तो आपणे जाणीए छे के भी एनामां कई कई खूबी छे, एना अक्षर सारा छे, तेनी भाषा परनी पकड़ सारी छे, ए प्रमाणे लखवानी छे। अने पछी छेले आपणे तेना घरनाने याद, तुम्हारे माता पिता भाई बहन छे होय एने याद, अने पछी फरी मळीशुं एम करीने आपणे पत्र पूर्ण करवानो छे। तो आ प्रमाणे आवी रीते निबंध लेखनमां प्रतियोगितामां आपणो मित्र प्रथम आव्यो छे तो तेना विशेनो पत्र आवी रीते लखवानो छे। हवे शब्दो के लिंग परिवर्तन करे और वाक्य में प्रयोग। दास दासी, अकबर के दरबार में कई दासियां कार्य कर रही थी, धोबी तो धोबीन, जहांगीर की पत्नी ने धोबीन के पति को तीर मारा था। स्वामी तो स्वामीनी, वहां उस स्वामी की स्वामीनी बैठी है। विद्वान तो विदुषी, इंदिरा गांधी एक विदुषी महिला थी। बाबू तो बाबूआइन, बबुआइन, बबुआइन को जरा आवाज लगाओ। बूढ़ा तो बूढ़ी, बूढ़िया, वहां पेड़ के नीचे एक बूढ़िया बैठी है। शेर तो शेरनी, शेरनी ने एक बच्चे को जन्म दिया। पंडित तो पंडिताइन, पंडिताइन बहुत ही तेजस्वी है। भैंस तो भैंसा, भैंसा पानी पीने गया। लेखक लेखिका, वह लेखिका सुंदर वार्ता कथन करती है। वचन परिवर्तन, गमला गमले, बालकनी में गमले हैं। माला तो मालाएं, मंदिर में मूर्तियों के लिए मालाएं बनाई गई। कहानी कहानियाँ, इस पुस्तक में बहुत सी कहानियाँ हैं। तिथि तिथियाँ, महीने में कई तिथियाँ शुभ आती हैं। दिव्या तो डिबिया, आपणे चंद्रबिंदी करवानी छे बहुवचन में, डिबिया एक वचन छे। वहाँ कई डिबिया पड़ी है। चूड़ी तो चूड़ियाँ, हरे रंग की चूड़ियाँ सुंदर लगती हैं। सहेली सहेलियाँ, मीना की कई सहेलियां हैं। सेना सेनाएं, देश में युद्ध के लिए सेनाएं तैयार हो गई। चीज़ चीज़ तो चीज़ें, बाज़ार से कई चीज़ें लानी हैं। वस्तु वस्तुएं, बाज़ार आज कई सारी वस्तुएं लेने जाना है। पछी छे के लाल बहादुर शास्त्री, कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री, उनके जीवन से हम कौन कौन सी बातें, या हमने आगे स्वाध्याय प्रश्नोत्तर में भी देखा है कि हमें उनकी तरह हमेशा कर्म में भरोसा रखना चाहिए। हमें हमारे नसीब के ऊपर नहीं रहना चाहिए लेकिन कर्म पर विश्वास रखना चाहिए, बिना फल की आशा के कर्म करना चाहिए। और हमें कोई भी पद प्राप्त करें लेकिन हमें हमेशा सामान्य ही बने रहना चाहिए। विनम्रता, सादगी, सरलता, आत्मसंयम जैसे गुण हमें उनमें से सीखने। मत बांटो इंसान को, जिसमें समानता की
की भावना का भाव कवि ने दर्शाया है कि सब हिल मिलकर रहना चाहिए। ईश्वर ने हमने सब कुछ बांट लिया है, लेकिन ईश्वर एक ने कभी किसी के बीच भेदभाव नहीं किया है, तो हमें भी यह नहीं करना चाहिए। मतलब एकता की भावना इस काव्य में दर्शाई है। और कुछ राष्ट्रीय नेताओं के जीवन के कार्य के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए पुस्तकालय का उपयोग करके हस्तलिखित अंक तैयार कीजिए। यह प्रश्न आपको नहीं करना है, लेकिन अगर आपके पास अभी तो बहुत समय है तो आप पुस्तकालय में से कई पुस्तकें लाकर पढ़ सकते हैं। तो मित्रों, यह पुनरावर्तन एक की चर्चा यहाँ समाप्त हुई। आप सब यह प्रश्न लिखेंगे। आभार।